उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैश्व माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुरक्षित खबर, आपका अपना चैनल वैश्व माउंटेन। खबर निन्याना ब्लॉक से। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण की हुई दुकानें खो के सबको सड़क के किनारों से हटाया जा रहा है। यह एक कोर्ट का आदेश है, परंतु उत्तराखंड के अंदर सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी वहाँ पर अभी तक नीतियाँ नहीं बन पाई हैं, मार्केट नहीं बन पाए हैं ढंग से, वहाँ पर सड़कों का चिन्हित कर लोगों को अवेयरनेस नहीं किया गया है, न ही वहाँ मार्केटें बसाई गई है। तो लोगों ने अमूमन जिस तरह से भी उन्हें लगा खोखे लगा कर या अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर अपना रोजगार कर रहे हैं। कोर्ट के अनुसार उन्हें पहले नोटिस दिया गया और दुकानों को तोड़ा गया, परंतु यहीं कांग्रेस भी आज इसमें कूद गई है। निन्याना विकास खंड कांग्रेस विकासखंड निन्याना की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे, तहसील में जाकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया और बाजार में आकर यहां पर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला फूंका गया। कांग्रेस का कहना है कि यहां पर के नाम पर उजाड़ते बाजार कस्बों के संबंध में महोदय निवेदन है कि अतिक्रमण के नाम पर पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय मूल के रोजगार को छीना जा रहा है, जिससे पूरे पहाड़ में रोष व्याप्त है। आज हमने तहसील मुख्यालय धुमाकोट में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चेतावनी दी है। आप इन बेरोजगारों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था करोगे? अतः आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र स्थानीय मूल के लोगों को रोजगार पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। धन्यवाद। हम आपके माध्यम से थोड़ा ज्ञापन सामने दिखा देना। ज्ञापन की कॉपी सर पीछे चलो, ये तो बाद में ठीक है। धोरी नीति अपनाई जा रही है। शहरों में अतिक्रमण के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डरों को छोड़ा जा रहा है, परंतु गरीबों की छोटी छोटी खोखी और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। यह कोर्ट का आदेश है, परंतु सरकार इसमें चाहती तो पहले से इनके लिए कोई दूसरा रास्ता देखकर इन्हें बसावट की जा सकती थी, इन्हें रोजगार दिया जा सकता था। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी महिपाल रावत ने। देखिए रिपोर्ट। तत्वाधानों में ये धुमाकोट बाजार में ये तहसील मुख्यालय में एक धरना और प्रदर्शन इलाके पूर्व प्रदेश और प्रदेश विचार को तराई का जिला छोड़ी सिर्फ पर्वतीय जो जिला थी अतिक्रमण नाम पर और कोटक हवाला दे राज्य सरकार हमारे कभी भी पैर भी नहीं करी इलावे खिलाफ आज हम लोग ये बाजार धरना देना चाहो, ये तहसील मुख्यालय धरना देना चाहो और धरना देना जो कारण से कि 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल से भी ज्यादा लोग जब बटे हमारे धाकड़ व्यवस्था खत्म हुआ और छोटे छोटे बाजार और कस्बों बढ़ना शुरू हुई वो फटेकर आज तक जब कभी हमारा व्यापारी लोग थी या छोटा छोटा फोम जाम खोखा लगाए बैठारी और काशीराम ने बात बोल सा काशीराम जी ने बात बोल चाहिए कि जो सरकार जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो जमीन जनता जमीन थी और हमारा जो लोग थी जब हम लोग जो हमारे सतपुल बटिया लेक और हमारे एकेश्वर तक जब हम जन क्रांति मार्ग बना सकते हो तो हम अवैध काम कर सकते हो हम लोगों आले, आले, आले। ये पहाड़ रोड बना दी ऐसे यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लोग चला रहे थे। चूंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे धुमाकोट की ये है कि हमारे जो जो हमारी सिविल की जमीन है वो बिल्कुल धारदार है, बिल्कुल हमारे पास जरा भी जमीन नहीं है। ये जमीन जंगलात की थी और जंगलात ने उस समय दिया, जैसे उन्होंने इसमें इन लोगों को बेदखल किया है मेरे समझ में नहीं आया। इसने हमारे बीजेपी के युवा साथी भी हैं और कांग्रेस के भी युवा साथी हैं, सभी लोग यहाँ थे, लेकिन किसी ने सोच नहीं की कि क्या इन लोगों ने इस जमीन का कटान किया है। मेरी समझ में तो ये नहीं आया कि जब इसका कटान सरकार के द्वारा किया गया तो फिर इनको निकालने का मतलब इस सरकार का होना चाहिए था, जंगलात का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने इसको चौड़ाईकरण के लिए कटाया था।
लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं एक बार फिर वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज। और पहाड़ों की आवाज ने लगातार यहाँ की लोकल खबरें दिखाई है, चाहे एंड्रॉन पिलो की हो, चाहे रिपोर्टिंग कार्पिलो की हो, चंपावत की हो। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिलो का स्तरीय यहाँ पे रैली निकाली गई अध्यक्ष भाई मनीष सुधीर जी की अध्यक्षता में। मनीष भाई, लगातार आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पे जी, देखिए अतिक्रमण के नाम पर जो राज्य सरकार जनता की पैरवी नहीं कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश को सर्वे सुर्वा बैठाकर उस पर कोई वो नहीं कर दिया, जबकि राज्य सरकारें अपने लिए एक अध्यादेश ला सकती है कि जिससे पहाड़ के उतर रहे व्यापारियों को रोजगार मिले, उनका रोजगार स्थायी रहे। और अगर ऐसा भी नहीं है तो राज्य सरकार को पुनर्वास की व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो राज्य सरकार ना तो इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है, और आपको बता दूं कि ढाकर पहाड़ के लोगों का पहले ढाकर होता था, रामनगर हमारा दुगड्डा कोटद्वार से लेकर हमारा ढाकर, और इन 50-60 सालों में हमने छोटे छोटे कस्बे बना पाए, हम धुमाकोट बना पाए, हम बीरोकाल बना, हम गुमखार बना पाए, हम सतकुली बना पाए, ये इसको बनने में 50-60 साल लगे। और आज सरकार का ऐसी कोर्ट का ऐसा सरकारी फरमान आया कि जो गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं, तमाम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना दिया और हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन जो भी हमारे स्तर से होगा करते रहेंगे। आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने यही कहा है कि आप इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, इनके रोजगार की व्यवस्था करें। इसके साथ हमने आज राज्य सरकार का पुतला भी फूका है, तो उसके बाद हमने जिला अधिकारी माध्यम से धुमाकोट के माध्यम से आप ज्ञापन दिया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि जब दोनों सरकारें लगातार सत्ता में आई है, जब से उत्तराखंड बना है, कांग्रेस ने पहले विरोध क्यों नहीं जताया कि यहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं या अपने मकान पर? देखिए, कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, वर्तमान में जो सरकार है उसको जनता की पैरवी करनी चाहिए, उस सरकार का निर्वाचन ही इसलिए हुआ। अगर हमारी कांग्रेस के 47 विधायक होते तो आज हम हमारे विधायक भी जनता के पक्ष में होते, लेकिन शर्मनाक है कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो कोई ऐसी कैबिनेट नहीं बिठा रहे हैं, ना क्षेत्रीय में क्षेत्रीय विधायक अपने अपने स्तर से कोई वो कर रहे हैं। रामनगर में तोड़ हो रहा है, रामनगर के विधायक चुप हैं, कुरदार में तोड़वाई हो रही है, तो रितु खंडूड़ी जो हमारी विधानसभा की अध्यक्ष हैं वो चुप हैं, हमारे धुमाकोट में तोड़ हो रहा है तो हमारे रावत जी चुप हैं, बीरोखाल में तोड़फोड़ हो रही है तो हमारे लोक निर्माण मंत्री चुप हैं, थैलीसैंण में तोड़फोड़ हो रही है तो हमारे शिक्षा मंत्री चुप हैं। ये शर्मनाक है और ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, जनता की वोट की सरकार है, और ये भाजपा के लोग ये ना समझे कि ये सर्वे सुरभा हो गए हैं, जो जनता सर में बिठाना जानती है वो तुम्हें उतारना भी जानेगी और ये लोकसभा में आपको साफ साफ दिख जाएगा। हमने जनता से एक ही वादा किया था और बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, और सबसे बड़ा वादा वही था कि उत्तराखंड राज्य अगर बनेगा तो यहाँ रोजगार के साथ हम उपलब्ध करवाएंगे। हम तब ये कहते थे कि हम कई प्रकार के ऑफिस यहाँ पे खोलेंगे, बड़े जिले, ज्यादा जिले बनेंगे, कई जिले बनेंगे, कई तहसीलें बनेंगे और कई ब्लॉक बनेंगे। ये वादा हमारा, ये हमारा सपना भी था, ये हमारे एक हमें आशा भी थी कि राज्य बनने के बाद ये सारी चीज़ें, ये अवस्थापना यहाँ पर आएंगी, संस्थाएँ आएंगी और हमें रोजगार यहाँ पर मिलेगा, रोजगार संस्थाएँ खुलेंगी तो रोजगार होगा। तो हमारा ये भी कहीं था कि हम हमारा जैसा हमारा एक चार्टर था कि मतलब हमारे जितने भी यहाँ पे जितने भी हमारे जिले हैं, 13 जिले तब थे, कि 13 हर जिले में जो है एक एक दो बड़े कारखाने, बड़े लेवल के राष्ट्रीय लेवल के कारखाने यहाँ पे खोले, तो पहाड़ी जो धरातल पूछ सकते हैं, तो वो सब जो है वो सारे सपने जो है चूर चूर हुए और आज तब चूर हुए, आज की तारीख में इसलिए चूर हुए कि आज जो है हमारी सरकार जो कि उस राज्य के आंदोलन के जो है गर्व से पैदा होकर के जो आज सत्ता पे बैठे, उन्हीं लोगों ने जो है इन सपनों को चूर चूर किया, हमारे सपनों को हमारी सरकारों ने चूर चूर किया, और हमारे लोगों को जो कि बेरोजगारी झेल रहे थे, जो लोग जो है कोरोना की मार झेलने के बाद भी यहाँ पर किस तरह से रुके थे, वो पलायन नहीं कर पाते, उनको जो है आज जो है उनको यहाँ से भगाया गया, जबरदस्ती भगाया गया और पूरे पहाड़ों को खाली करने की एक साजिश है, और इस साजिश के तहत शायद यहाँ पे मैदान के लोग और बाहर के लोगों को बसाने की बात कुछ है जो कि यहाँ पहाड़ की जनता के समझ में नहीं आ रही है, और पहाड़ की जनता उन्हीं तानाशाह, उन्हीं लोग, वो बड़ा तानाशाह ऊपर दिल्ली में, छोटा तानाशाह यहाँ बैठा हुआ, उन्हीं के कहने पे जो है यहाँ की जनता भी चल रही है, और एक दिन ये हो जाएगा, हमारे लोग नहीं समझते उस बात को, एक दिन ये होने वाला है, ये इन्हीं के ऐशगाज बनते जा रहे हैं और एक दिन इन्हीं का राज यहाँ पे चलेगा,
और यहाँ पे पहाड़ यहाँ खाली देगा, पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी यहाँ का जो है यहाँ खाली कर देगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बड़े शहरों में चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा। यहाँ या तो गोरखाली हो गया तो या तो फिर यहाँ पे कश्मीर बनने वाला है। इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा, मैं राज्य आंदोलन का निवासी जो लगातार अपने क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चाहे पार्टी के नेतृत्व के रूप में अपने क्षेत्र में बने रहते हैं, जब कोर्ट का फैसला आ गया और लोगों ने भी मान लिया कि ये अतिक्रमण है, तो फिर सरकार की जिद, देखिए सरकार की जिद इसलिए कि सरकार हमेशा कोर्ट के फैसले को अपना फैसला मानती आई है। आपको विदित होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, फैसला कोर्ट का है लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं जी तो हमारा फैसला है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर जो धोखाधड़ी छोटे लोगों के साथ हो रही है, ये लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार राजतांत्रिक ढंग से काम कर रही है और बहुत बड़ा मकसद है कि पूंजीवादी लोगों को यहाँ बसाइए, क्योंकि पूंजीवादी लोगों की सरकार है और बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं वो यहाँ बसेंगे और उनके बड़े बड़े यहाँ मॉल होंगे और छोटे दुकानदारों को जो है ये मसल दिया जाएगा, यही मकसद। पूर्व शिक्षाविद यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जे एस कृष्ण जी जो लगातार पार्टी के साथ सक्रिय बने हुए हैं। सर आज अतिक्रमण के नाम से जो रैली निकाली गई, जगह जगह लोग परेशान हैं, परेशानियों का जो सामना करी यहाँ की उत्तराखंड की जनता, क्या मुहिम छेड़ी गई पार्टी आज? देखिए उच्च हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको तक हम नहीं जा सकते, लेकिन वो सरकार की दोहरी नीति है, एक तरफ नीचे जो कॉलोनियाँ हैं उनको लोकलाइज किया जा रहा है और यहाँ जो छोटे मोटे धंधे वो कर रहे हैं इनको डिमोलिश किया जा रहा है। इस दोहरी नीति के खिलाफ हमें एक और सरकार कहती है कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है और पलायन का ही दर्द है कि हमारी जो है तो तीन शायद विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये कम हुए हैं, और अगर इसी तरह से चूँकि यहाँ रोज़गार के कोई साधन नहीं, छोटी मोटी कहीं दुकान है, कहीं खोंचा है, छोटा मोटा बिजनेस है लोगों का, अगर इनको प्रतिस्थापित नहीं किए क्या तो ये पलायन का प्रतिशत और बढ़ेगा और मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो 20 सीटें बची ये भी कम हो जाएंगी। तो सरकार को ये कहते हैं लोक कल्याणकारी सरकार कहलाती है, उसका काम ही ये है, उसका प्रथम ये कर्तव्य ये है कि वो अपने नागरिकों कि आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्षा प्रयत्न करें और रोजगार देना भी उनके एक मौलिक कर्तव्य है। तो उस पर जो कुठारा घात हो रहे इसका हम विरोध कर रहे थे और पार्टी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। तो हम ये कहेंगे सरकार से कि ये दोहरे मापदंडों को अपना करके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो और रोजगार बेरोजगार हो उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था हो, तभी जाके उनको ये जो उनके अतिक्रमण को हटाया जाए। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।